नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों से। अखिलेश यादव का अध्यक्ष बनना तय, लखनऊ से शुरू हुआ सपा का 2 दिवसीय अधिवेशन, कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बाराबंकी में ट्रैक्टर ने ट्रक ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 मरे, 34 का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा। सुरक्षा एजेंसियों ने बनाया 57 लोगों का डोजियर, पीएफआई मामले में 26 जिलों में हुई थी छापेमारी। अयोध्या में राम जन्म पर छाया उल्लास, गूंजे जय श्री राम के नारे, आज सांसद मनोज तिवारी बनेंगे परशुराम। कानपुर में पुलिस के सामने जय ने जहर खाकर दी जान पत्नी ने, झगड़े के बाद जय के खिलाफ थाने में दी अपनी तहरीर। बुलंदशहर में एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, बच्चों को बाटी टॉफी फ्रूटी, बोले मंचलों पर रखी जा रही नजर। छहमार गिरोह का सदस्य मुठभेड़ के बाद अरेस्ट, मुजफ्फरनगर में पुलिस को गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, एक फरार। फतेहपुर में फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव, पति रेलवे में काम करता था, बोला देर रात लौटा तो कमरे के अंदर बंद था। अग्निवीर योजना को लेकर आरएलडी मुखिया का ट्वीट, जयंत ने कहा 2024 में हम सत्ता में आए तो अग्निवीर को नौकरी पक्की और योजना रद्द। सीतापुर में सड़क हादसे में महिला और पुत्री की मौत, हाईवे पर मवेशी आने से हुआ हादसा, मृतक बेटी की आज होनी थी सगाई। आगरा में पहले बदमाश को मारी गोली, फिर डोनेट किया खून, रियर ब्लड ग्रुप होने के कारण नहीं मिल रहा था खून। जौनपुर में बनेगा गर्ल्स आईटी कॉलेज, 6 ट्रेड के लिए मिली मंजूरी, 11,58,00,000 की लागत से बनेगा कॉलेज। नदी में कूदने जा रही 2 बहनों को पुलिस ने बचाया, रायबरेली में पिता की डांट व मारपीट से थी परेशान। हरदोई में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, बेकाबू ट्रक ने 2 बाइकों को रौंदा, पुलिस ने घेराबंदी कर चालक को दबोचा। मथुरा पुलिस ने 4 साथी ठगों को किया गिरफ्तार, एटीएम कार्ड बदल करते थे ठगी, चोरों के पास से 41 कार्ड बरामद। इटावा में 2 अज्ञात बदमाशों पर मुकदमा दर्ज, इटावा में लूट के इरादे से महिला के घर में घुसे थे बदमाश, अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। स्टेशन से पकड़े गए चांदी के बिस्कुट, गहने उत्कल एक्सप्रेस में उड़ीसा से मथुरा जा रही थी, 7 किलो चांदी आरपीएफ ने पकड़ी। कानपुर में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में बनी मजार को लेकर हंगामा, विहिप कार्यकर्ताओं ने गेट लगाए, जाने का किया विरोध। कुशीनगर में हिरणवती नदी में छात्र ने लगाई छलांग, साइकिल पुल पर फेंकर कूदा, गोताखोर कर रहे तलाश। नए परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी, नगर निगम प्रयागराज के 8 वार्डों का वजूद खत्म, अब 100 वार्डों पर होगा चुनाव।
बीजेपी को कोई हरा सकती है तो सिर्फ सपा। अखिलेश बोले 2019 और 2022 दोनों चुनाव के प्रयोग सफल। यशवंतपुरम ट्रेन में युवक से लूट, चलती ट्रेन में दिया धक्का। ललितपुर में बेतवा नदी में गिरा युवक का हुआ घायल, जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई करते समय झुलसे लोग, जांच कमेटी ने दो स्थानों पर की छापेमारी। सील किया ज्वलनशील तेल का स्टॉक। एसटीएफ आईबी ने अलीगढ़ एसडीपीआई के प्रदेशाध्यक्ष से की पूछताछ। 22 घंटे चली पूछताछ में के नए सदस्य का मांगा रिकॉर्ड, आरोपी को भेजा जेल। कौशाम्बी में तालाब पर अवैध कब्जा, 9 ग्रामीणों को तहसील प्रशासन ने दिया नोटिस। अवैध तरीके से बना था, लिया था अपना मकान। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के पैरों में लगी गोली। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से की थी लूट। मुजफ्फरनगर में पीएफआई पर शिकंजा कड़ा कर रही है एटीएस। सीएफआई कोषाध्यक्ष अतीकुर रहमान और इस्लामी कश्मीर जेल में एसडीपीआई भी रडार पर। कानपुर देहात में घंटों एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा युवक, ना मिलने पर पैदल ही शव लेकर चल पड़ा। सड़क हादसे में बच्चे की हो गई थी मौत। लखीमपुर खीरी में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण एक्सीडेंट, हादसे में 7 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 25 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। चंदौली में संदिग्ध हालत में महिला कर्मी की मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर पर चोरों ने हाथ साफ किया, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। औरैया में धूमधाम से निकाली गई भगवान शंकर की बारात, बारात में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बदायूं में शिक्षकों का फर्जीवाड़ा सामने आया, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा भर्ती में जिले में मिले 5 शिक्षक। अलीगढ़ में टीएसआई ने टेम्पो चालक को बेरहमी से पीटा, कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। अयोध्या में मां दुर्गा पर अश्लील कमेंट करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार, फेसबुक पर मां दुर्गा पर की थी अभद्र टिप्पणी। बदायूं में आगामी त्यौहार को लेकर प्रशासन सख्त, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक चौकीदार को दिए सख्त निर्देश। अलीगढ़ में प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी से मांगी गई रंगदारी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में नवरात्रि के चलते एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के साथ सड़कों पर उतरे कप्तान, एसएसपी ने खुद लिया हालातों का जायजा। गाजियाबाद में एटीएस और एनआईए की छापेमारी, एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी में की तकरीबन 7 लोगों की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में शराब तस्कर को पकड़वाना, मुखबिर को पड़ा भारी, शराब तस्कर ने मुखबिर की जमकर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में दामनी को नहीं मिला इंसाफ, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है परिवार, मुख्यमंत्री से भी लगा चुकी इंसाफ की गुहार। गाजियाबाद में गुफा वाला मंदिर दिलाता है वैष्णो देवी की याद, निसंतान दंपत्ति की होती है मनोकामना पूरी।
गोरखपुर की गलियों में चाय बेचने को मजबूर हुई मशहूर मॉडल, कभी बनी थी मिस गोरखपुर, अब चाय बेच रही है अश्विनी त्रिपाठी। हमीरपुर में मनरेगा योजना में जमकर चल रही है धांधली, ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर लाखों करोड़ रुपए का कर रहे हैं गबन। हरदोई में धारदार हत्या से पति पत्नी की हत्या, बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के से इलाके में सनसनी का माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर हिंसा में हाजी वासी के खिलाफ लगाया गया एनएसए, 3 जून वाले मामले में अब तक 3 के खिलाफ चल चुका है एनएसए। नोएडा में पति के साथ रह रही पत्नी की मौत पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज इंडो नेपाल बॉर्डर पर मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस, भारतीय पर्यटकों का हुआ भव्य स्वागत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात बड़े अफसरों समेत आधा दर्जन कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज, 2008 में भूखंड के लिए किया था आवेदन। महाराजगंज में सुनार मार्केट में तमंचा लहराते अपराधियों ने कस्बे में दहशत, अपराधियों के दुकान बंद करने की दी धमकी। रायबरेली में गरीबों का बांटने वाला लाखों का सरकारी गेहूं चावल गोदाम से गायब, मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। श्रावस्ती में पोस्ट मास्टर को गाली देने वाला ऑडियो वायरल, दलित डाकिये ने डीएम एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की लगाई गुहार। रायबरेली में अवैध बिल्डिंग को लेकर प्रशासन सख्त, 2 दर्जन बिल्डिंग को सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने कराया सील। संभल में दबंगों पर पुलिस ने नहीं की कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक स्तर पर पीड़िता ने लगाई मदद की गुहार। रायबरेली में भूमाफियाओं का कहर जारी, सहन की भूमि को जबरन कर रहे कब्जा, पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में दहेज लोभी दामाद समेत ससुराली जनों की भेंट चढ़ी नवविवाहिता, फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। रायबरेली में अवैध लकड़ियों से लदी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत किया, कहा अभी लड़ाई लंबी है। अलीगढ़ में अचल पर जलभराव को लेकर छात्राओं व क्षेत्रीय लोगों ने रोड जाम कर दिया और किया प्रदर्शन, नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। दुनिया देखेगी गाजियाबाद का रावण दहन, पिछली बार 10 फुट और लंबा हो गया पुतला। बिजनौर में अवैध संबंधों को ताक पर, पत्नी की पीटकर हत्या, फांसी लगाकर पत्नी ने दी जान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर जारी है छात्रों का आंदोलन, छात्रों ने कुलपति के लापता होने के पोस्टर दिए चस्पा। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला नवयाता का शव, मृतक महिला के परिजनों ने लगाई हत्या की आशंका। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर, ट्रस्ट ने अपने आधिकारिक
ट्विटर हैंडल से चंपत राय ने जारी की फोटो। चंदौली में सेंट जॉन्स स्कूल की जीप नहर में पलटी, हादसे में एक दर्जन बच्चे घायल, स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। गोंडा में गाली गुप्ता को जान से मारने की दी गई धमकी, ग्राम पंचायत सचिवालय में अनियमितता की हुई थी शिकायत। कुशीनगर में 30 वर्षीय महिला की हत्या, सिर पर चोट के निशान, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी के दो पक्षों के विवाद में चली गोली, विवाद में एक को लगी गोली, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में जल जीवन मिशन के तहत हो रहा काम, भौतिक सत्यापन करने के उद्देश्य से एक्शन मोड में आईडीएम। नोएडा में फिर विवादों में घिरे ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी, श्रीकांत त्यागी के परिजनों ने अपने घर के सामने किया पौधारोपण। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, मदरसों की समय सारणी में किया गया बदलाव, अब 6 घंटे चलेंगे मदरसे। आगरा में सिकंदरा पुलिस को मिली सफलता, महिला की हत्या कर पुलिस ने किया खुलासा, हत्या आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। गाजीपुर में डीएम ऑफिस पहुंचे किसान, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिकृत जमीनों का कम मुआवजा मिलने से आक्रोश। मिड डे मील में बच्चों को मिल रहा है नमक का चावल, अयोध्या के बीएसए ने जवाब तलब किया, बोले जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। केंद्र सरकार के खिलाफ आपका ने किया प्रदर्शन, मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में हुआ प्रदर्शन। फिलहाल जिले की 75 जिलों की 75 खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।